I am back with my another video on a new topic, that is angles. Students, यहाँ पर आपको कुछ angles दिखाई दे रहे हैं ना. Now first one is, this is a right angle. अब जो हमारा first वाला angle है students, वो right angle triangle है. okay, वो कितने degree का है? वो 90 degree का होता है. okay, देखो कितना straight है ये angle, एकदम straight होता है. okay, now second is, this is an acute angle. अब second वाले students, हमारा angle कौन सा है? ये acute angle है. ये 90 से ये angle less होता है, 90 degree से ये angle students ये कम होता है. okay, now third is, this is an obtuse angle. अब जो हमारा third वाला students angle है, वो angle का name क्या है? obtuse angle है. और ये angle 90 degree से students ये angle ज़्यादा होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो. राइट वेदर द हैंड्स मेक अ राइट एंगल एन अक्यूट एंगल और एन ऑप्टियस एंगल इन द बॉक्स बिलो. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्लॉक्स आर देयर? यस यस, वेरी गुड, देयर आर 6 क्लॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हमको इसमें ये देखना है कि हर क्लॉक में कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं. ओके नाउ फर्स्ट इज ऑप्टियस एंगल. स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट वाली क्लॉक है उसमें कौन सा एंगल बन रहा है? उसमें ऑप्टियस एंगल बन रहा है. ओके नाउ सेकेंड इज सेकेंड क्लॉक में स्टूडेंट्स टाइमिंग 8:30 हो रहा है और उस क्लॉक में कौन सा एंगल स्टूडेंट्स बन रहा है? उसमें अक्यूट एंगल बन रहा है. ओके नाउ थर्ड इज अब स्टूडेंट्स अब जो हमारी थर्ड वाली क्लॉक है उसमें क्या टाइमिंग हुआ है? उसमें 3 o'clock हुआ है. ओके और उस क्लॉक में कौन सा एंगल बन रहा है? उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ओके नाउ फोर्थ इज अब जो हमारी फोर्थ वाली स्टूडेंट्स क्लॉक है उसमें क्या टाइमिंग हुआ है? उसमें टाइमिंग हुआ है 3:35. ओके और उसमें कौन सा एंगल बन रहा है? ऑप्टियस एंगल बन रहा है. ओके नाउ फिफ्थ इज स्टूडेंट्स अब जो हमारी फिफ्थ वाली क्लॉक है उसमें क्या टाइमिंग हो रहा है? 5:45. ओके और उसमें कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ओके नाउ सिक्स इज अब जो स्टूडेंट्स हमारी सिक्स वाली क्लॉक है उसमें क्या टाइमिंग हुआ है? उसमें 10 o'clock हुआ है. ओके और उस क्लॉक में स्टूडेंट्स कौन सा एंगल बन रहा है? अक्यूट एंगल बन रहा है. ओके कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. स्टूडेंट्स अब हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है. ओके अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 4 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं ना. फर्स्ट वाली कॉलम का क्या नेम है? डायग्राम. सेकंड कॉलम नेम ऑफ द एंगल. थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ इज आर्म्स ऑफ एन एंगल. स्टूडेंट्स अब जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है दैट इज डायग्राम. अब वहाँ पर देखो आपको डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है ना. क्या नेम है? पी क्यू आर. ओके नेम ऑफ द एंगल. अब वहाँ पर हमारे एंगल कौन से बन रहे हैं? एंगल पी क्यू आर. ओके स्टूडेंट्स हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? पी क्यू आर. और कौन सा एंगल स्टूडेंट्स बन रहा है? आर क्यू पी. ओके ये हमारे दोनों एंगल्स इसमें बन रहे हैं. अब जो हमारा वर्टेक्स है वहाँ पर वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स? क्यू है. और आर्म्स ऑफ एन एंगल स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं? क्यू पी एंड क्यू आर. ओके स्टूडेंट्स अब जो हमारा सेकेंड वाला डायग्राम है एल एम एन. ओके नेम ऑफ द एंगल. अब वो डायग्राम में हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स एंगल बन रहे हैं? एंगल एल एम एन बन रहा है और एंगल एन एम एल. ओके ये हमारे दोनों एंगल्स इसमें बन रहे हैं. अब जो हमारा वर्टेक्स है स्टूडेंट्स इसमें हमारा वर्टेक्स कौन सा है? एम है. आर्म्स ऑफ एन एंगल. अब यहाँ पर हमारे आर्म्स ऑफ एन एंगल कौन से हैं? एम एल एंड एम एन. ओके अब जो हमारा स्टूडेंट्स थर्ड वाला डायग्राम है वहाँ पर कौन से नेम ऑफ द एंगल बन रहे हैं? एंगल एस यू टी और एंगल टी यू एस. ओके और हमारा वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स? उसमें यू है. और आर्म्स ऑफ एन एंगल स्टूडेंट्स कौन सी हैं? यू एस एंड यू टी.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।